जय श्री राम गाइस। तो अगर दोस्तों आप लोग आईफोन लेना चाहते हैं तो अभी करंटली यहाँ पर बिग बचत धमाका सेल चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो आप में से काफी सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि भाई रिपब्लिक डे सेल का वेट करें या फिर ये बिग बचत धमाका सेल के अंदर फोन को परचेज कर ले। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोगों को वेट करना चाहिए या फिर आप लोगों को परचेज कर लेना चाहिए, कौन सा फोन आप लोगों को अभी किस प्राइस पर देखने के लिए मिल रहा है। अभी 8-10 दिन बाद जब रिपब्लिक डे की सेल आएगी 15 या फिर 16 जनवरी को, तब आप लोगों को किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना इसके चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर दोस्तों बात कर ले तो हमारे सामने यहाँ पर आईफोन 15 निकल के आ रहा है जो कि अभी 69,000 रुपीस का मिल रहा है, जिसकी बेस प्राइस है 72,000 एंड 4,000 रुपए का HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर है। ये जो फोन है दोस्तों ये कल आप लोगों को 68,000 रुपीस का मिल रहा था, आज आप लोगों को 69,000 रुपीस का मिल रहा है। तो अगर अब आप लोगों से बात कर लूँ कि इस प्राइस पर आप लोगों को परचेज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इससे अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास अभी करंटली अवेलेबल है, यूनिकॉर्न स्टोर के ऊपर आप लोगों को 66,312 रुपीस के अंदर मिल रहा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर यूनिकॉर्न का स्टोर आप लोग घर के आसपास है तब आप लोग जाकर ले सकते हैं, या फिर आप लोग यूनिकॉर्न स्टोर की वेबसाइट खोल के 66,312 रुपीस के अंदर आईफोन 15 को परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अब अगर आप लोगों से बात कर लो कि रिपब्लिक डे की सेल के अंदर आप लोग क्या प्राइस देखने के लिए मिलेगा, तो रिपब्लिक डे की सेल की अगर बात करें तो ये फोन आप लोगों को 65,000 रुपीस का मिलेगा। इस प्राइस पर आने के मैक्सिमम चांसेस है, और ये जो मैंने आप लोगों को प्राइस बताई है मैंने आप लोग कार्ड डिस्काउंट लगा के बताई है, मतलब जो आप लोग जो सारे ऑफर वगैरह अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप लोगों को ये प्राइस आईफोन 15 का पड़ने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील है, आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज क्लियर बता दूं कि अगर आप लोगों के पास अभी ऑप्शन है, जैसे कि अभी आप लोगों अगर 66,312 रुपीस का पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई महंगा नहीं है भाई, 1,500 रुपए ज्यादा पे करके आप लोग ऑफलाइन मार्केट में जाके ले सकते हैं। एंड रिपब्लिक डे सेल का आप लोगों को इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, तो यूनिकॉर्न स्टोर अगर आप लोग घर के आसपास है तब आईफोन 15 आप लोग जाकर ले सकते हैं, फ्लैट 17% का ऑफ वहां पर आप लोगों को मिल रहा है। अब अगर आप लोगों से बात कर ले नेक्स्ट आईफोन की, जो कि दोस्तों आईफोन 14 का यहाँ पर दोस्तों जो करंट प्राइस चल रहा है वो है दोस्तों 59,000 रुपीज में। मेरे हिसाब से दोस्तों आईफोन 14 काफी खराब डील है, आप लोगों को परचेज नहीं करना चाहिए। आईफोन 14 आप लोगों को रिपब्लिक डे की सेल के अंदर 55,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां पर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बिग बिलियन की सेल गई थी तब काफी सारे लोगों ने उसको 51-52,000 रुपीज के अंदर ग्रैब कर लिया। अब 2 महीने बाद आप लोगों को जो 55,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, और आईफोन 13 और 14 के अंदर कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप लोग 55,000 रुपीज पे कर ही रहे तो 10,000 रुपए ज्यादा पे करके आप लोगों को आईफोन 15 के साथ जाना चाहिए। वहां पर आप लोगों को इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल रही है, एंड उसी के साथ साथ ज्यादा लंबे समय तक वो जो रिलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी आईफोन लेंगे तब मिनिमम आप लोग जो उसको 2 से 3 साल तो यूज करने ही वाले। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग आईफोन 15 की तरफ जाएंगे तब आप लोग काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि 10,000 रुपए ज्यादा पे करके आप लोगों को बहुत कुछ चीजें ज्यादा आईफोन 15 के अंदर देखने के लिए मिल जा रही है। अब बात कर ले यहाँ पर आईफोन 13 के बारे में, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांडेड फोन है, सब लोग जो है लेना चाहते हैं। आईफोन 13 दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 58,000 रुपीज का देखने के लिए मिल रहा है, और अगर आप लोग अभी जाकर अमेजोन के ऊपर चेक करेंगे तब यहाँ पर आप लोगों को 53,000 रुपीज का देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आईफोन 13 के बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि आईफोन 13 की जो बेस्ट डील है वो अभी आप लोगों को अमेजोन के ऊपर देखने के लिए मिल रही है, एंड जब यहाँ पर रिपब्लिक डे की सेल आएगी तब जो आईफोन 13 है दोस्तों वो आप लोगों को अमेजोन के ऊपर आराम से 46-47,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जब आप लोग कार्ड डिस्काउंट लगा देंगे। सारे ऑफर लगा देने के बाद आप लोगों को 46-47,000 रुपीज के अप्रोक्स आईफोन 13 अभी यहाँ पर मैं रिपब्लिक डे की सेल में अमेजोन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं 47,000 रुपीज में। दोस्तों आईफोन 13 आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कोई बुरा फोन नहीं है, लेकिन फिर यही बोलूंगा कि लोगों ने उसको 40,000 रुपीज के अंदर परचेज कर लिया अमेजोन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल की सेल में। और अब ये जो फोन है दोस्तों आईफोन 13, अगर आप लोग वेट करेंगे यहाँ पर मैं आने वाली अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल का, जो कि बेसिकली 2024 के अक्टूबर मंथ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, वहां पर जो आईफोन 13 है वो आप लोगों को 36,000 रुपीज के लगभग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई काफी तगड़ी डील हो सकती है। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तब दोस्तों आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए, और हाँ अर्जेंट है तब आप लोग देख सकते हैं इसकी तरफ, या फिर आप लोग रिफर्बिश्ड की तरफ भी जा सकते हैं। रिफर्बिश्ड फोन जो है कैसे परचेस करना है, इसके लिए मैं जल्दी वीडियो आप लोगों को लेके आऊंगा कि कैसे आप लोगों को चेक करना है कि रिफर्बिश्ड फोन जो आप परचेस करने वाले हैं वो अच्छा है या फिर खराब है या कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती है, इसकी दोस्तों डिटेल वीडियो में जल्दी मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। जो अगला फोन है दोस्तों हमारा वो है दोस्तों आईफोन 12, जो कि आप लोगों को 43,000 रुपीज का देखने के लिए मिल रहा है, और सेल के अंदर ये जो फोन है दोस्तों ये आप लोगों आराम से 37-38,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जब आप लोग कार्ड डिस्काउंट वगैरह सारे कुछ चीजें अप्लाई कर देंगे। आईफोन 14 प्लस की अगर दोस्तों बात कर ले तो 67,000 रुपीज का आप लोगों को मिल रहा है, और ये जो दोस्तों फोन है ये आप लोगों सेल के अंदर आराम से 61-62,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाएगा अभी आने वाली रिपब्लिक डे की सेल में। मेरे हिसाब से दोस्तों 61-62,000 रुपीज के अंदर आईफोन 14 प्लस बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसकी तरफ। आईफोन 15 प्लस की अगर बात कर ले 76,000 रुपीज का आप
लोग करंटली मिल रहा है, सेल के अंदर आप लोगों को 72-71,000 रुपीज़ के अप्रोक्स मिल सकता है। ज़्यादा डिस्काउंट आप लोगों को आईफोन 15 प्लस के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रो एंड प्रो मैक्स वाली सीरीज़ की अगर बात कर ले तो कभी भी आप लोगों को ज़्यादा डिस्काउंट प्रो एंड प्रो मैक्स वाली सीरीज़ के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है। वैसे ही ये सीरीज़ महंगी होती है और काफ़ी ज़्यादा कम लोग खरीदते हैं, तो ज़्यादा डिस्काउंट आप लोग कभी भी प्रो एंड प्रो मैक्स वाली सीरीज़ के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों बस इधर ही कहानी थी आईफोन की अभी बिग बजट धमाका सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे जाता हूँ, ज़्यादा अगली बार दोस्तों फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।